यस फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल सर्च कंसोल के बारे में इन 5 मिनट्स। सो सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल का गोल क्या है। सो गूगल सर्च कंसोल का गोल है कि टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना है, राइट? और पेज लोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करना है, एंड नंबर 3 कीवर्ड के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको जानना है, ठीक है? सो दिस आर द गोल। नंबर 2, बेनिफिट क्या है उसके। सबसे पहले डेटा गूगल से आ रहा है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑथेंटिक, राइट? आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आप कीवर्ड के लिए अपॉर्चुनिटीज चेक कर सकते हो कि भाई ऐसे कौन कौन से कीवर्ड है जो आप टारगेट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप जो सर्च टर्म रिपोर्ट्स में दिखा रहे हो उसको अगर आप ऐड करोगे पेज ऑन पेज में, कॉन्टेंट में, तो यू कैन डेफिनेटली ग्रो योर ट्राफिक एंड लीड। जो भी टेक्निकल इश्यूज़ है, राइट, जैसे कि नॉट फाउंड पेजेस है, रिडायरेक्ट पेजेस है, कैनोनिकल पेजेस है, नॉट इंडेक्सिंग पेजेस है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगर गूगल के साइड से कोई मैनुअल एक्शन आपको दी गई है, मैनुअल पेनल्टी दी गई है, तो यू कैन रेज द इश्यू एंड टू रिजॉल्व आफ्टर यू टेक केयर, जब आप उसको टेक केयर आपने कर लिया है तो, ठीक है? तो उसका स्टेप्स क्या है, कैसे करना है इसको। सबसे पहले स्टेप्स में आपको डोमेन को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप डोमेन लेवल पर कर सकते हो, जैसे कि उन्होंने बताया है कि अगर आपका सब डोमेन है, राइट, मल्टीपल डोमेन से एक ही डोमेन पर आपने सब डोमेन भी बनाया है, तो यू शुड गो विद द डोमेन बाय एडिंग द DNS वेरिफिकेशन थ्रू द होस्टिंग, राइट? उसमें आप TXT रिकॉर्ड से या तो और जो ऑप्शन है उससे आप कर सकते हो। URL प्रीफिक्स में अगर आपका जो ईमेल आईडी से आपने ये अकाउंट बनाया है, जो जीमेल आईडी से आपने सर्च कंसोल बनाया है, वही अगर आपने एनालिटिक्स में यूज़ किया है, तो यू डोंट हैव टू वेरीफाई एनीथिंग। आप सीधा यहाँ पर URL डालोगे, वेरीफाई करोगे, तो वो हो जाएगा, क्योंकि यू ऑलरेडी वेरीफाइड द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स कोड, ठीक है? उसके बाद जो आता है वो परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस में फ्रेंड्स, आपको यहाँ से जाओगे तो परफॉर्मेंस में ये आपको रिजल्ट मिलेगा, जिसमें आपको कितनी क्लिक्स आ रही है, इंप्रेशन, माने कितनी बार आपकी वेबसाइट दिखी, एवरेज आपका CTR क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके लिए, कि जो जो कीवर्ड ऐसे है फ्रेंड्स, जो जो कीवर्ड ऐसे है कि जिसमें इंप्रेशन बहुत है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो 51,000 इंप्रेशन है और हमारा CTR, माने उसमें से क्लिक करने वाले लोग सिर्फ 4% है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग आसानी से इसको यूज़ करके ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और लीड भी बढ़ा सकते हैं, राइट? इसके लिए हमें पेज ऑन पेज करना पड़ेगा, लिंक बिल्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? सो दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद पेज इंडेक्सिंग। तो पेज इंडेक्सिंग में क्या है बेसिकली, कि भाई आपकी वेबसाइट पर जो भी लोग जो भी पेजेस है उसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज़ है, राइट, उसको अगर आपको रिजॉल्व करना है तो आप रिजॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ये टूल्स है, जैसे कि। और ये रिजॉल्व करने के लिए जो सारे इश्यूज है उसका मैंने 4 क्रक्स निकाले, ये चार चीज़ों से ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से है, सबसे पहला है कि जो पेज में इश्यू दिखा रहा है वो कहाँ से, उसको सोर्स कहाँ से मिला वो URL का, तो वो सोर्स आपको फाइंड कर लेना है। कैसे आपको सोर्स मिलेगा, सोर्स आप यहाँ पर कोई भी पेज पर जाओगे, राइट, और यहाँ पर आप वो पेज को ये सर्च के आइकन से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि उसका सोर्स कौन सा है, माने कहाँ से उसको ये URL मिली। तो उसको अगर ठीक करना है तो उसको ठीक कर दो, माने वहाँ से ही अगर गलत URL हम लोग पास कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं है, तो उसको रिजॉल्व करो, नंबर 1। नंबर 2, कि जो पेज है वो पेज को आप रिमूव कर दो, राइट, अगर वो काम का नहीं है तो यहाँ से आप रिमूव कर दो उसको आपकी वेबसाइट से, या तो आप रिडायरेक्ट टू द करेक्ट पेज, आप उसको करेक्ट पेज पर रिडायरेक्ट भी करवा सकते हो, राइट, और आप अगर वो इंडेक्स नहीं हुआ है आपका पेज, तो आप उसको रिलेवेंट कंटेंट और कीवर्ड से आप उसको अपडेट करके उसको इंडेक्स करवा सकते हो। दूसरा है साइट मैप। सो अगर आपको साइट मैप ऐड करना है तो आप सीधा यहाँ से जाकर XML में साइट मैप बनाकर यहाँ से अपलोड कर सकते हो, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस गूगल में इंडेक्स हो। उसके बाद कोर वेब वाइटल। तो यहाँ से आपकी जो भी URL है जो पुअर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसको आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो, राइट, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लिक करके आप उसको ढूंढ सकते हो। उसके बाद ब्रेड क्रम। तो ये एनहांसमेंट है। तो ये एनहांसमेंट में बेसिकली आपके जितने भी रीच स्निपेट आपने ऐड किए उसको आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेटिंग। तो सेटिंग में बेसिकली आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हो सभी को, राइट, जिसको भी एक्सेस देना है यूजर एंड परमिशन से, तो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। एंड लास्ट इज सेटिंग। तो अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए गूगल को अपडेट करना है तो यहाँ से आप इश्यू लिख के गूगल को अपडेट कर सकते हो, जैसे कि मैनुअल एक्शन हो गया, और यहाँ से आप कैप्चर स्क्रीनशॉट करके यहाँ से आप उसको सेंड के बटन पर क्लिक करके भेज सकते हो। आई होप आपको ये सर्च कंसोल का वीडियो हेल्पफुल हुआ है, पसंद आया है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और डेमो के लिए रजिस्टर कीजिए। थैंक यू।